यार इस सीरीज में काफी एंटी नेशनल लोग हैं, तो इसीलिए इस सीरीज को रिपोर्ट करो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे जब ये सीरीज रिलीज होने वाली थी। खैर अब बात करेंगे जब ये रिलीज हो चुकी है और क्या ये सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं, तो ये सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो को पूरी तरह से जरूर देखना। बात करेंगे सीरीज की, तो इसमें हमें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 35 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच में है। खैर सीरीज की कहानी शुरू होती है एक एनआरआई फैमिली से, जिनकी बेटी जोया हो जाती है किडनैप, और फिर उसके बाद एंट्री होती है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की एसीपी राधा की, यानी कि स्वरा भास्कर की। और उसके बाद वो इस केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है और फिर उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, वो ये है कि अगर आप बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखते हो और स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बनी गई मूवीज देखे हो, तो इन सारी मूवीज में और इस पर्टिकुलर सीरीज में अलग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो बस है सेंसरशिप बोर्ड, यानी कि जब वो मूवीज देखते हो तो वहां पर काफी कुछ चीजें कट जाती है क्योंकि अलाउड नहीं होता वॉयलेंस की वजह से। लेकिन ओटीटी में ऐसा कुछ भी नहीं, तो इसलिए जो मेकर्स होते ओटीटी वाले वो बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही ऐसी चीजें भी डालते जो नहीं डालने चाहिए, जैसे कि बहुत सारे एडल्ट सीन जो स्किप हो सकते थे लेकिन फिर भी आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाते। उसके अलावा एक ऐसी ब्रूटालिटी देखने को मिलती है जो आपको सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी फिलहाल। उसके अलावा बात करें सीरीज के मेन हीरो की, तो वो है इसकी राइटिंग। अगर सीरीज को इस तरह से नहीं लिखते तो शायद ये लोगों को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन इस सीरीज में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करेंगे इस शो के कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स में इतनी ज्यादा डिटेलिंग हमें देखने को नहीं मिलती, ना ही उन कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि आप उनसे थोड़ा बहुत कनेक्शन बना पाओ, तो यहाँ पर ये सीरीज थोड़ा सा वीक हो जाती है। उसके अलावा शो की सिनेमाटोग्राफी मुझे पर्सनली अच्छी लगी, जिस तरह से उन लोगों ने पूरी सीरीज को शूट किया और बहुत सारे ऐसे सीन से जो मतलब आपको लिटरली गूज़बम्प्स से लेकर आ जाएंगे वो तो गारंटीड है। उसके अलावा शो का बीजीएम मुझे ठीक ठाक लगा, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, बस इस सीरीज को अच्छी तरह से वो संभाल पा रहा था। और बात करेंगे शो में एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर अक्षय ओबरॉय हो या स्वरा भास्कर हो, दोनों का काम मुझे डिसेंट लगा। मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि परफॉर्मेंस के मामले में ये थोड़ी सी वीक पड़ गई है, क्योंकि अक्षय ओबरॉय एक अच्छे एक्टर है लेकिन आज तक उन्होंने इतना अपना पोटेंशियल दिखाया नहीं। ऑल्दो इस सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से वो आगे चल के और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और बात करेंगे स्वरा भास्कर की, तो उनका भी एज यूजुअल ऐसा ही है, वो जितनी भी मूवीज और जितनी भी सीरीज करती है तो वहां पर उसका एक जो परफॉर्मेंस होता है वो टिपिकली सेम ही होता है, तो यहाँ पर भी उसको भी एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर कोई नहीं होता बताने वाला, लेकिन बस मैं एज अ व्यूअर उनके बारे में आपको बता रहा था। परफॉर्मेंस के मामले में ये थोड़ी डिसेंट लगी। अब बात करेंगे सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट ये है कि सीरीज की जो कहानी है एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर एक प्रिडिक्टेबल हो जाती है, यानी कि अगर आप मेरी तरह बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज इस टॉपिक पर देख चुके हो तो आपके लिए यहाँ पर नयापन कुछ भी नहीं मिलेगा। इस शो का बहुत ध्यान से देखोगे तो काफी कुछ ऐसी जगह जहां पर आपको इलॉजिकल चीजें देखने को मिलेगी, जिसको अगर आप सोचने बैठोगे तो सोचते ही रह जाओगे। और जो तीसरा पॉइंट है वो है इसकी लेंथ। मेरे हिसाब से इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे अगर आप सीरीज बना रहे हो तो आपको 8 एपिसोड भी रखने की कोई जरूरत नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा आप उसको 4 एपिसोड जो पिछले द गॉन गेम में हुआ था उतने 4 एपिसोड रखते या तो फिर 6 एपिसोड रखते तो फिर भी ज्यादा अच्छा होता। और आखिरी नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि इसको इरोस नाउ पे रिलीज किया। अब भाई नेटफ्लिक्स का लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अमेजोन प्राइम का ले रहे हैं, लेकिन अब इरोस का क्यों ले और पर्टिकुलर इस सीरीज के लिए क्यों ले, क्योंकि हमें पता है कि इरोस नाउ पे इतनी ज्यादा कंटेंट रिलीज होते नहीं है, तो फिर एक ही चीज के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लो तो वो बेमानी होता है। तो मेरे हिसाब से अगर इरोस नाउ रिलीज कर रहा है तो उसको और भी अच्छी अच्छी सीरीज रिलीज करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोग इसको सब्सक्राइब करें। वरना अगर आप साल में एक रिलीज करोगे या 2 महीने में एक रिलीज करोगे तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन बोलोगे तो मुझे नहीं लगता कोई लेने वाला। तो अब बात करेंगे शो में पैरेंटल गाइडेंस की, तो भाई ये शो एडल्ट्स के लिए बनाया गया, ये आप फैमिली और बच्चों के साथ नहीं देख सकते। तो यार मेरे हिसाब से मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 2.5 out of 5। अगर आप लोगों को इस तरीके की चीजें देखना पसंद है तो आप जरूर देखिए, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पहले मूवीज में देख चुके हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ वॉयलेंस नया देखने को मिलेगा और एडल्ट सीन नया देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी नयापन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आप लोग खुद डिसाइड करो, मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा कि भाई देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में क्लास ऑफ 83 जो आज रात तक मैं अपलोड कर दूंगा, और लूसीफर वेब सीरीज की बात करें तो वो संडे या तो फिर सैटरडे की इवनिंग। बस टिल देन दुआ में याद रखना।